You know, I've actually seen the film already. Okay. And that's why I've called a lot of my friends to see it, because I'm so impressed with this film that I think everybody should see it. And I think people who are watching this thing, I would actually want all of you to see it. It's worth seeing. मैं वेंटिलेटर फिल्म को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अच्छी फिल्म को सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर वेंटिलेटर बकवास फिल्म होती तो मैं राजेश मापुसकर के बावजूद भी यहाँ नहीं आता। तो सर, भारत में ऐसी कई फिल्में बनती हैं जो कि एक जाति व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं उस फिल्म में, तो सर उसमें आपका क्या कहना है? अभी मोहम्मद रफ़ी साहब का ऐदिल मुश्किल में सर मजाक बनाया गया था, तो सर उसमें आप क्या देखिए? पहले तो मैं आपको ये कहता चाहता हूँ कि मैं हिंदी फिल्म देखता ही नहीं हूँ। मैंने जिस फिल्म का आपने नाम लिया ना देखी है ना देखूँगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैं अगर यहाँ आज आया हूँ और ये मैंने स्क्रीनिंग की है वेंटिलेटर की, तो मैं समझता हूँ कि ये इतनी खूबसूरत और अच्छी फिल्म है कि इतनी अच्छी फिल्म को देखकर आप देखिएगा इसको ज़रूर, आप ये भूल जाएंगे कि किस फिल्म में किसने किसका मजाक उड़ाया है। क्योंकि जब अच्छा सिनेमा बनता है तो वो किसी और लेवल पर चला जाता है। जी 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 देखिए, मैं समझता हूँ कि जब मैंने ये फिल्म देखी तो मराठी तो मैं भूल ही गया कि मराठी फिल्म है। कैरेक्टर्स मराठी बोलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि एक ज़बान होती है जो आँखों की ज़बान होती है, जो इमोशंस की ज़बान होती है, जिसमें मराठी हो, गुजराती हो, इंग्लिश हो। आप इंग्लिश फिल्में कई देखते हैं, आप रोते हैं, क्यों आपको ऐसा हो जाता है? हमको तो इंग्लिश आती भी नहीं थी। कश्मीर में हमने डॉक्टर ज़िवागो देखी थी, कुछ समझ में भी नहीं आया लेकिन हम रो रहे थे। क्यों? क्योंकि एक सिनेमा की ज़बान अलग है। इस फिल्म में एक गाना है, वो मराठी में गाती हैं प्रियंका, वो इतना मैं वो, बाबा ना 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 ने बाबा। अब ये है मराठी, गा मैं कश्मीरी रहा हूँ लेकिन मेरे को उस गाने के इमोशन फील हो रहे हैं। तो ये सिनेमा की कोई ज़बान नहीं है। सिनेमा की ज़बान, जैसे ये आप फिल्म देखेंगे तो इतने खूबसूरत इसमें किरदार हैं, कुछ कैरेक्टर्स यहाँ आए हुए हैं एक्टर्स, जब वो परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कोई मराठी में तो नहीं रोता है, या बंगाली में तो नहीं हंसता, या इंग्लिश में तो नहीं उसको लव अफेयर हो जाता। वो सब एक ज़बान है जो जो सिनेमा की ज़बान है, जो इमोशंस की ज़बान है। और वो उसके लिए मैं कहता हूँ कि आप सब जाके वेंटिलेटर जरूर देखिए, बाकी फिल्मों के बारे में आप भूल जाएंगे। देखिए, मैं 100% मैंने राजेश मापुसकर को कहा है कि अगर ये फिल्म मैंने, मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई हो, लाया नहीं मेरे पास गधा, लेकिन अगर लाया होता तो ये स्क्रिप्ट को मैं 100% सपोर्ट कर। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ इज बेस्ट। एक्चुअली फरारी की सवारी, जिसमें हमने इतनी जान इसके साथ लगाई थी, हमारे बावजूद इस लड़के ने अकेले हमसे बेटर फिल्म बनाई है, ऐसा मैं समझता हूँ। ताली वाली मार सकते हैं उधर के लोग। तो सर, ये दो जोड़ी जो है, ये हमें कब फिर से एक बार? बिल्कुल, जोड़ी तो इधर ही दिखा देते। भैया इधर आना जरा, मापुसकर भैया जोड़ी देखना चाहते हैं, प्लीज आ जाइए। तो अभी दिखा देते हैं उसको, कुछ ये देख ली, ये जोड़ी अभी आ गई। आपको ज्यादा देर थोड़ी वेट कराएंगे, देख लीजिए जोड़ी इधर बरकरार है, हमेशा बरकरार है। यस, एब्सोल्युटली, इज माय बॉस, माय मेंटर, माय गुरु, माय फादर, माय बाबा। बट आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम, नहीं तो मैं ऐसा करता नहीं। मैं अपनी फिल्मों का ट्रायल नहीं करता तो दूसरी का क्यों करूंगा मैं? बहुत अच्छा बना है, आप देखिएगा जरूर। धन्यवाद, मराठी मंदे बोलतो वेंटिलेटर फार सांगला फिल्म आहे, इज दैट करेक्ट? करेक्ट। लेकिन से यारे या सारे या, यारे या सारे या, ये प्रमोट करा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। कंप्लीट एक्साइटमेंट बिकॉज टुमारो इज नाउ द रिलीज डे, रियली लुकिंग फॉरवर्ड हाउ ऑडियंसेस विल रिएक्ट। आई नो फेवरेबली, आई फील दे विल बी वेरी receptive to the film. I think it's a lovely film. Its title is Ventilator. Sounds like a serious film, but it's not. It's actually a funny film. It's about families. It's about the interpersonal relationship, emotions. So, really looking forward. So, how much time did you take to complete the whole film? The film, I think it took about 35 days odd to finish the film. So, audience will be going to see you on the big screen after that time. Yeah.
how does it feel to be back on the big screen? Because in recent times you have been as a director, as a producer. Yeah. Being back into the shoes of acting, tell us something that happened. I'm coming on screen after my 18 years as an actor. So surely there's a lot of anticipation. I want to know. I hope I've done things which are reminiscent of what audiences have liked me many years ago in television shows like Kachchi Dhoop, which I did with Arnold Palekar Sahib. My first film was Holi. So there were a lot of appreciations I've got in those projects, Kabhi Haan Kabhi Naa. So I hope people accept me once again as an actor. So, but was it easy for the director to convince you to play the role, because you are a director now? So, how did this all started? Actually, I had no intention of becoming an actor again because I was quite happy doing direction. But when Rajesh came to me with this script and he offered me this character, my first thing to him was, you know, I don't think I'll be able to do it because I'm making Mohan Chidaro and this will take too much time and my attention. But he didn't want to listen. He decided to just wait. He waited for 6 months, pursued me, and finally then made me say yes. So I finally said yes because somewhere in my life, Rajesh's work. I've loved Ferrari Ki Sawari. And I was finally, when I see the film, I feel it's a good thing, it's a good decision that I made, that I to participate in this film, and I'm glad that Rajesh actually waited for me. So, any other plans to be a part of any upcoming projects as an actor? Plans? There are no plans right now. But if another film comes by, if another role comes by, which is interesting, which, you know, really excites me to do it, my yes will be quicker this time, I think. So what's next after Mohan Chidaro? Any projects you are a part of working on? Yeah, I'm scripting now. I think I'll be ready in another couple of months. Thank you. Thank you. Thank you.
फिल्म से आपने सुना होगा बहुत कुछ वेंटिलेटर दिस इज माय सेकंड एसोसिएशन ऑफ वेंटिलेटर पहली बार मैं म्यूज़िक लॉन्च हुआ था गणपति गणेश चतुर्थी के दिन एंड मैंने म्यूज़िक सुना है म्यूज़िक बहुत बढ़िया है और अभी मैंने सुना है कि फिल्म बहुत बढ़िया है तो अभी मैं देखने वाला हूँ फिल्म और जो हमारे डायरेक्टर साहब है राजेश साहब उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनकी फिल्म मैंने देखी थी फिरारी की सवारी करेक्ट फिरारी की सवारी फरारी की सवारी मुझे बहुत पसंद आई थी और मुझे जब मैंने फिल्म देखी थी मुझे इतनी बेहतरीन लगी थी फिल्म एंड तो मैं उनका उनके काम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म म्यूज़िक तो ज़बरदस्त है सुना कहानी भी बहुत अच्छी है और मैंने सुना फिल्म भी बहुत अच्छी बनी है तो मैं भी देखूंगा और आपको बताऊंगा मुझे कैसी लगी सर आप कुछ कह रहे हैं कि फैमिली को 27 इयर्स हो गए तो उसके बारे में आप अपना हैप्पीनेस कैसे बयां करना चाहते हैं नहीं उसका हैप्पीनेस तो मैं हमेशा हैप्पी रहता हूँ चाहे 27 साल हो या 7 साल हो या 1 साल तो मैं हमेशा हैप्पी रहता हूँ और मैं कोशिश यही करूँगा कि हमेशा हैप्पी रहूँ थैंक यू थैंक यू